This news is presented by Career Point University, Hamirpur. नमस्कार, मैं रमेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। जैसे कि हम लगातार बात करते हैं कि पंचायतों में जो कार्य किए जाते हैं उनको लेकर बड़े सवाल खड़े रहते हैं। पंचायतों में जो भी पैसा खर्च करने के लिए सरकार देती है उसका क्राइटेरिया क्या है, आज तक ये निर्धारित नहीं हो पाया है और कोई भी लेआउट, कोई भी प्लान पंचायतों में देखने को नहीं मिलता है, जिसके वजह से गांव में कई बार मतभेद पैदा हो जाते हैं। जो कार्य पंचायत करा रही होती है उसमें भी अड़चनें आ जाती हैं। और ये बात सच भी है कि जो नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं, जिनको चुना है लोगों ने, उनको उन लोगों को जरूर फेवर में लेना पड़ेगा जिन लोगों के साथ में वह गांव में कार्य करवाते हैं, जिसके लिए वार्ड पंच होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं और कमेटी भी बनती है ताकि वो सब निर्धारित करें कि कौन सा कार्य कहाँ करवाना है। ये आज मैं खड़ा हूँ, ग्राम पंचायत जोड़े अम के अंतर्गत समलेड़ा गांव है और मैं इस गांव की बात अकेले नहीं कर रहा हूँ, लगभग सभी गांव के अंदर ये समस्या रहती है, लेकिन लोग बोल नहीं पाते हैं, लोग अपनी बात को रख नहीं पाते हैं कि जो प्रधान या जो वार्ड पंच जो पैसा लगाते हैं गांव के अंदर उसकी डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया चाहिए, जो आधार चाहिए, वो पूरा नहीं हो पाता है। किस पैसे को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, उसका क्या औचित्य है, क्या नुकसान है, ये सब मैटर्स उलझे हुए रहते हैं पंचायतों के अंदर और हम लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि पंचायतों को जरूर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सरकार जो भी पैसा दे रही है, चाहे वो 14वें वित्त आयोग का दे रही है, चाहे वो किसी भी फंड के तरीके से दे रही है, चाहे वो ब्लॉक के लेवल पे दे रही है, उस पैसे को सही जगह लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि लोगों की सुविधाओं के लिए वो पैसा है। अगर लोग ही उन सुविधाओं से वंचित हैं या लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तो फिर मुझे लगता है उस पैसे को लगाने का कोई फायदा नहीं होता है। इस गांव की आज जो समस्या है वो ये है कि इन लोगों ने ये आरोप लगाया है कि जो प्रधान है यहाँ पर जो कार्य करवा रहे हैं, एक गांव से एक नाली बनवा रहे हैं पानी की निकासी के लिए। तो जैसे हमने अभी गांव का दौरा भी किया तो गांव में जरूरी नहीं है कि पानी की निकासी पूरी तरह से है, कई जगह ऐसी जगह भी हमने देखी है जहां पर पानी रोड के ऊपर बह रहा है, वहां कोई नाली नहीं बनी हुई है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, वहां पर नाली की आवश्यकता है, तो वहां पर क्यों पैसा नहीं लगाया जाए। और यहां पर मैं जो इशू लेकर आ रहा हूं, जो इन लोगों की शिकायतें, इनसे भी बात कराएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको इशू की तरफ लेकर चलता हूं। पहले इशू ये है कि ये जो नाली आप यहां देख रहे हैं, ये नाली यहां पर पंचायत बनवा रही है, इस नाली को लेकर दो तीन इशू लोगों ने रखे हैं। पहला ये है कि ये जो नाली यहां से जारी है, जैसे मैं चाहूंगा कैमरामैन इस तरफ आके दिखाएंगे, ये सरकारी जगह है, सारी बता रही गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड के अंदर ये नाली जो निकाली जा रही है, तो ये बांस बीच में थे तो इनको सबको काट दिया पहले, जैसे आप ये देख भी रहे हैं यहाँ पर काफी ये पड़े हुए हैं, ये पूरे बांस यहाँ से काट दिए। जबकि अगर तरीके से देखा जाए तो ये जो नाली यहाँ से आ रही है, इस नाली को साइड से भी ले जाया जा सकता था। मैं जैसे आपको ये थोड़ा दिखाना चाहूंगा, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, जैसे आप ये देख रहे हैं ये नाली यहाँ से यहाँ पर जा सकती थी इस तरफ से, जैसे मैं चाहूंगा कैमरामैन इधर दिखाएंगे, ये बाहर से जाकर यहाँ बन सकती थी, लेकिन फिर इस नाली को अंदर से ले जाया गया। तो लोगों का ये आरोप है कि यहाँ पर प्रधान की खुद की जमीन है, उसने अपनी खुद की जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस नाली को यहाँ की बजाय वहां ले जाया, तो ये इशू पहले तो लोगों ने क्रिएट किया है। और दूसरा बात ये है कि इनका ये भी कहना है कि ये पानी जो पक्का सोर्स नीचे जा रहा है, तो नीचे हमारे सोर्सेज हैं पानी के, जहां से ही पानी हमारे को आता है, तो ये पानी जब नीचे जाएगा तो वहां से फिर हमारे को वापस पीने के लिए इसी पानी का सोर्स आएगा। चलिए, जो भी बातें हैं यहाँ पर हम गांव के लोगों से पहले बात कराएंगे, इनकी क्या समस्या है, ये क्या चाहते हैं, और फिर प्रधान से भी बात करेंगे, प्रधान जी का क्या पक्ष है इसके अंदर, और गांव की और डेवलपमेंट में जो पार्ट रह रहे हैं उनको लेकर उनका क्या पक्ष है, ये दोनों पार्टियों को साथ में लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक साथ में आरोप गांव वालों का ये भी है कि यहाँ पर पुलिस को लाया जा रहा है और उनको धमकाया जा रहा है, तो अगर ये जगह सरकारी है और सरकारी जगह में कोई चीज बनाई जा रही है तो ऐसा लोगों का कोई भी इसमें आरोप नहीं है कि सरकारी जगह पे क्यों बनाया जा रहा है, या उनको इनका सिर्फ इतना ही आरोप है कि नाली इस तरफ जो बांस खोद के बनाई जा रही है तो इस नाली को बाहर से क्यों नहीं बनाया जा रहा है। अब ये इनका पर्सनल मैटर है, लेकिन फिलहाल इसको अभी हम समझेंगे इनके साथ में, और फिर इस इशू के बाद में प्रधान की भी बात कराएंगे अगले न्यूज में और उनको भी सामने लाएंगे और इस इशू को कोशिश करेंगे कि गांव के लोग मिलके समाधान कर लें, क्योंकि पंचायत का जो प्रतिनिधि है वार्ड पंच, उनका भी ये कहना है कि मुझे प्रधान ने फेवर में नहीं लिया है, मुझे भी नहीं बताया है कि किस तरह से पैसा लगाया जा रहा है और क्या इनका रणनीति है। बहरहाल, ज्यादा बात ना करते हुए गांव के लोगों से बात कराते हैं आपकी, तो चलिए बात कराते हैं आपकी, आप बताइए क्या समस्या आप लोगों की है इस इशू को लेकर। सर, जैसे कि गांव से आधा किलोमीटर बाहर तक नाली बन चुकी है, इधर कोई घर नहीं है, मतलब एक दो घर बने हुए पर अभी तो इनका काम चला हुआ है जी, ठीक है ना जी, बाकी आबादी पीछे गांव में रहती है, मतलब तो हम प्रधान जी से कह रहे हैं कि आगे पानी की स्कीम है नीचे, तो
तो मतलब ये नालियां यहाँ तक पक्की नाली बन चुकी है, इससे आगे कच्चा पॉइंट रहेगा तो मतलब ऐसा है पानी जमीन अपने आप अपने अंदर खींच लेगी। मतलब अगर पक्की नाली बन जाएगी नीचे तक तो ये पानी डायरेक्ट जाके स्कीम में मिलेगा और यही पानी हमारे के लिए पीने के लिए नलकों में आएगा। मतलब जी तो प्रधान जी से अगर हम अपने यूज के लिए एक भी बांस काटेंगे तो महकमा खड़ा कर देते हैं, और इन्होंने कम से कम इनको 100 पेड़ बांस के यहाँ काट दिए, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। और हमारी यही है कि अगर बार बार से अगर फिर भी बनाना चाहते हैं नाली तो बार बार से बनाए, जो कि बाउंड्री है इसकी, मतलब तो हमारा कोई एतराज नहीं है। मतलब बाकी गांव में उधर भी समस्या है, 10-20 घरों का पानी रोड में बह रहा है जी, उधर प्रधान जी का कोई भी देख रेख नहीं है, मतलब ना उधर कोई एक रुपया लगा 5 सालों में जी। क्या आप इसके अलावा और क्या इसके अलावा ये बोलना चाहता हूँ सर, ये तो पेड़ दर्द काटे जा रहे हैं वो तो बोल दिया इन्होंने, बात होगी इसके अलावा कोई और बात, ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए क्योंकि वृक्षों को बचाना हमारा काम है और लगाना हमारा काम है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जो बांस का 200 पौधा काटा हुआ है जी, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आपने कंप्लेंट करी इसको लेकर? नहीं नहीं नहीं, कंप्लेंट नहीं, मैं आपके हम चैनल के थ्रू में कर रहे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कितने पेड़ काटे हैं, इसके प्रधान को पेनल्टी पड़नी चाहिए जी। मेरा ये कहना सर। कोई और गांव की समस्या को लेकर आप कहना चाहेंगे कि वो गांव की समस्या से सर 4 साल हो गए, इसने गांव में आज तक कोई काम नहीं किया है, प्रधान है हमारे गांव में कोई काम बता दे इसने ये काम किया है। पानी हमारे मार्च अप्रैल के बाद पानी पीने को नहीं मिलता है, कोई कोई सुविधा नहीं है हमें। क्या समस्या आप लोगों को बता रहे हैं, जो जिस तरह की बातें आप बता रहे थे प्रधान को लेकर या पंचायत को लेकर, क्या आपका इशू है? मेरा कहना यह है कि जब सरकार पैसा देती तो सही ढंग से लगाया जाए उसको। और अब हमारे गांव के 4-5 वार्ड हैं, हर एक वार्ड का कोई भी कमेटी मेंबर एक को लेना चाहिए ताकि सबकी सहमति से हमारे गाँव का में काम हो। पहले गाँव का काम करवाओ, 80-90 घर है हमारे गाँव के, वो सारा पानी जो है सारे एक दूसरे के घर में बह रहा है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं बरसातों में, तो पहले उसका सॉल्व करें, बाहर का काम बाद में चलो बनाए, पर लेकिन पहले गांव का सुधार करें ना, सही ढंग से पैसा लगाए गांव में जो भी आया, और पूरे गांव की सहमति से पैसा लगना चाहिए। हमारे वार्ड पंच को पता ही नहीं है कि हमारे गांव में कितना पैसा आया, कहां काम हुआ, हमें पता नहीं। मैं महिला मंडल की प्रधान हूं, मेरे को पता ही नहीं है कहां कहां क्या हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, मेरे को इस नाली का भी इन्वॉल्व है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये तो आज वीर सिंह जी हमारे घर पे गए तब मेरे को पता चला कि यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पुलिस आई है, इतनी क्या नौबत आ गई कि यहाँ पुलिस आने की। गांव में बैठ कर हर समस्या का हल होता है, गांव वालों को इकट्ठा करना था, समस्या हर किस्म का कितनी भी प्रॉब्लम हो हल होता है। ये रोड निकला गांव की सहमति से निकला, हमने पुलिस नहीं लाए, सभी इन गाँव भाइयों की मिल्कियतें भी है, सबने दी, सभी जा रहे हैं, सभी को फायदा है। पार महिला मंडल बना हुआ, उसके सारे दरवाजे जो है टूट गए। मैंने प्रधान साहब को बोला कि भाई साहब महिला मंडल के दरवाजे तो आपके महिला मंडल के पैसे हैं, उनसे आप बनवा दो। ये कौन सी रणनीति है भाई, महिला मंडल के पैसों में मेरे औरतों को क्या जवाब दूंगी कल को। आपका जो इश्यूज हैं वो प्रधान के साथ भी बात की जाएगी और उनको लाया जाएगा लोगों के बीच में कि क्या इश्यूज हैं इनके और क्यों सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पर एक सवाल मैं जरूर रखना चाहूंगा कि प्रधान एक प्रतिनिधि हैं लोगों द्वारा चुने हुए, उनको जो भी कार्य करवाने हैं उनको लोगों का फेवर जरूर लेना पड़ेगा, कोई भी पंचायत क्यों ना हो, क्योंकि केवल अपनी सुविधा के लिए आप कोई कार्य कराएं ऐसा जरूरी नहीं है, और केवल आप अपने ही अधिकार से हर कार्य कराएं ये जरूरी नहीं है, लोगों की सहमति लेना जरूरी है। जो कमेटी की बात की जा रही है, मैं यहाँ पर एक इशू और आपके बीच में लाना चाहूंगा, भारत स्वच्छता अभियान को लेकर हम बात करते हैं, क्या प्रधानों की ये जिम्मेवारी नहीं है कि इस तरह से जो कूड़ा फेंका जा रहा है यहाँ पर, तो प्रधान इसके ऊपर इनिशिएटिव लें और जिम्मेवारी लें और इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि लोग इस तरह से कूड़ा ना फेंकें, चाहे वो किसी की जगह पर फेंके, चाहे सरकारी जगह क्यों ना हो, इस तरह से जो कूड़ा फेंकना है, ये गंदगी जो बढ़ रही है धीरे धीरे, इसके ऊपर भी प्रधानों को जरूर जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और जो पैसा वो लगा रहे हैं, चाहे वो 14वें वित्तायोग का ही पैसा सरकार ने उनको आदेश दिया है खर्च करने के लिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पैसे को कहीं भी लगा देंगे, पैसे का सही तरीके से लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पैसा हमारा है, हम टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं और सरकार उसे सुविधाओं के रूप में हमें लौटाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पैसे को कहीं भी लगा देंगे और केवल उस पैसे को खाना पूर्ति करके पूरा कर देंगे कि जी हमने पैसा इस काम में लगा दिया। यहां सरकारों को, अधिकारियों को एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी पैसा लगाया जा रहा हो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाए प्रधानों में, कि आखिर वो पैसे को लगा कहां रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है। केवल नाली बनाकर और कहीं पर कोई स्पर लगाकर और कहीं खेत में कोई डंगा लगाकर पैसे को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, पैसे को सही जगह पर सही तरीके से गांव की डेवलपमेंट के लिए लगाना जो है वो उनका परम कर्तव्य है और लोगों का ये अधिकार है कि वो उसके ऊपर अपनी आवाज उठा सके। फिलहाल आप बने रहिए, अभी इशू शुरू हुआ है, इस पे बात करेंगे, प्रधान को बुलाएंगे साथ में, पूछेंगे उनसे कि क्या क्या इश्यूज यहाँ पर हैं और क्यों यहाँ पर इस तरह से डिस्टर्बेंस है वो गाँव में हो रही है।
कैमरामैन एतवाल कुमार के साथ में मैं रमेश शर्मा, जीवन उत्साह न्यूज से। थैंक यू वेरी मच।